मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को ज्ञानेन्द्र प्रताप पांडे जी का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। ज्ञानेन्द्र प्रताप बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बड़ा संघर्ष किया, बहुत मेहनत की और आज ये केंद्रीय विद्यालय में मैथमेटिक्स के टीचर हैं। अपनी मेहनत के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर इन्होंने जो स्थान हासिल किया कि उसके बारे में बताते हुए बेहद गर्व होता है। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। हम तो चाहते हैं कि इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेरे बच्चे हैं, जितने भी मेरे साथी, सब खूब तरक्की करें कि मैं गर्व से कह सकूं कि मेरा परिवार तो अनोखा है, लाखों में एक है। तो आज मैं इनको आपको इनका एक आर्टिकल सुनाती हूँ। ये कहते हैं, एक आयकर अधिकारी ने एक वृद्ध करदाता से को अपने कार्यालय में बुलाया और करदाता जो था वो ठीक समय पर पहुँच गया अपने वकील के साथ। तो आयकर अधिकारी ने कहा कि आप तो रिटायर हो चुके हैं, हमें पता चला है कि आप तो बड़े ठाठ बाठ से रहते हैं। रिटायर हो चुके, पैसा नहीं, कहाँ से इतने ठाठ बाठ से रहते हो, इसके लिए पैसा कहाँ से लाते हैं? तो जो करदाता था बोला, जुए में जीत जाता हूँ। तो आयकर अधिकारी बोला, तो हमें तो भाई यकीन नहीं हो रहा, हम कैसे माने? करदाता ने कहा, मैं साबित कर सकता हूँ, क्या आप एक डेमो देखना चाहेंगे? तो आयकर अधिकारी ने कहा, अच्छी बात है, जरा हम भी देखें, शुरू हो जाइए। तो करदाता ने कहा कि 1,000 रुपये की शर्त लगाने के लिए क्या आप तैयार हैं? मैं दावा कर रहा हूँ कि मैं अपनी एक ही आँख को अपने दांत से काट सकता हूँ। तो आयकर अधिकारी ने कहा, क्या, नामुमकिन, लग गई शर्त, चलो लगा के देखो। तो करदाता जो था उसने अपने शीशे की एक नकली आँख निकाली और उसको अपने दांतों से काट दिया। अब आयकर अधिकारी ने हार मान ली और उसे 1,000 रुपये उस करदाता को दे दिए। अब जब आयकर अधिकारी ने हार मान ली और 1,000 रुपये उसको दे दिया तो करदाता बोला, क्या वो 2,000 रुपये की शर्त लगाने को तैयार है? मैं अपनी दूसरी आँख को भी काट सकता हूँ। तो अधिकारी ने सोचा, आयकर अधिकारी ने सोचा, भाई एक आँख तो नकली हो सकती है लेकिन दोनों आँख नकली हो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कोई अंधा थोड़ी ना है कि ये अपनी दूसरी आँख भी काट लेगा। देख तो उसने कहा, देखते हैं, चलो लगी शर्त। तो करदाता ने जो था वो अपने नकली दांत निकाले और नकली दांत निकाल कर अपनी आँख को हल्के से दांत से काट दिया। आयकर अधिकारी जो था वो हैरान रह गया, पर वो कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप 2,000 रुपये लिए और उसको करदाता को दे दिए। तो अब जो करदाता था उसने कहा कि आगे कहा, चलो एक और मौका देता हूँ आपको तीसरी शर्त लगाने के लिए। उसने कहा, 10,000 की शर्त लगाने के लिए तैयार हो? तो आयकर अधिकारी ने, अब अपनी कौन सी बहादुरी का प्रदर्शन करने जा रहे हो? तो करदाता ने कहा, जो ये आपके कमरा है, आपके कमरे के कोने में जो कूड़ेदान का डिब्बा रखा हुआ है, मेरा दावा है यहाँ से मैं आपकी मेज के सामने खड़े होकर के यहाँ से थूकूंगा और सीधा जाके उस डिब्बे के अंदर गिरेगा और आपकी टेबल पर एक बूंद भी नहीं गिरेगी। तभी वकील जोर से चिल्लाया, मत लगाओ। लेकिन आयकर अधिकारी नहीं माना। उसने देखा कि यहाँ से वहाँ तक की क्या है, 15 फुट से भी ज़्यादा दूरी है और कोई भी ये काम कभी कर ही नहीं सकता है और इससे एक बूंद भी ना गिरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तरह बहुत सोचकर उसने सोचा कि जो मेरे खोए हुए पैसे हैं, 3,000 रुपया जो गया है, हो सकता है वो वापस आ जाए। तो जीतने की उम्मीद से वो शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया, मैं 10,000 रुपये देने को तैयार हूँ। अब जैसे उसने कहा, मैं 10,000 रुपये शर्त लगाने तैयार हूँ, तो जो वकील था उसने अपने माथा ठोंक लिया और करदाता नीचे मुंह करके शुरू हो गया, थू थू थू, पर उसकी कोशिश नाकामयाब रही। उसने आयकर अधिकारी की टेबल पर थूकी थूक पूरे थूक से पूरा उसका टेबल गंदा कर दिया। लेकिन आयकर अधिकारी बहुत खुश हुआ,
उसने देखा कि करदाता का वकील बुरी तरह रो रहा है, सिर पीट रहा है। उसने पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो वकील ने कहा कि आज सुबह इस शैतान ने मुझसे 50,000 रुपये की शर्त लगाई थी और कहा कि वो इनकम टैक्स वालों के टेबल पर थूकेगा और वो बजाय नाराज़ होने के खुश होंगे। तो देखो आप कितने खुश हो रहे हो, मैं तो 50,000 रुपया हार गया। तो कहते हैं ये सीनियर सिटीज़न होते हैं, नेवर अंडरस्टिमेट सीनियर सिटीज़न। वो ऐसे ही सीनियर नहीं होते, उन्होंने घाट घाट का पानी पिया होता है, उनके पास अनुभवों का खजाना होता है। तो ज्ञानेंद्र प्रताप की ये कहानी आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और हाँ, आप लोग भी कभी किसी सीनियर सिटीज़न को हल्के में मत लेना, इनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ चलता है। तो भाई ज्ञानेंद्र प्रताप की ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।